36 मिनट पुशअप पे दीजो मुझे गुरुदेव ने पूरा बोल आगे दीजो मुनि गुरा मुनि नीचे आगे वक्त के समय में लगी जा सके गुरा के दो मोड़ Now morning to सुबह तीन होता है और रात्रि काल में तीन होता है आफ्टर सनसेट तीन उसको ये छोड़ करके उषा काल और संध्या छोड़ कर दो छोड़ गया बाकी तीन रह गया और इधर उषा काल को छोड़ करके बाकी तीन रह जाते इसलिए प्रातः काल कहा जाता है निशांत काल निशांत लीला मीन्स द एंड ऑफ नाइट एंड ऑफ नाइट यार इज सेइंग द सिक्स्थ दंड बिफोर सन राइजेस सिक्स्थ दंड दैट इज कॉल्ड निशांत भजन एक दंड मीन्स वन दंड मीन्स 24 मिनट्स तो छह दंड सिक्स दंड मीन्स नहीं नहीं चौबीस थ्री आवर्स आई मीन दूसरी ग्रंथ में अच्छा लिखा रहता है जिसमें उसमें टाइम बिल्कुल टाइम लिखा रहता है साढ़े तीन से लेकर के तीन घंटे का एक नहीं आठ का वो नहीं होता है इसमें नियम होता है कुछ समय समय जो कुछ में ज्यादा होता है कुछ में कम होता है ये नहीं है सबके बराबर हो जाए मध्यान्ह कालीन लीला जो है मिड डे जो लीला जो है अंडरस्टैंड मिड डे लीला दैट इज लिटिल बिट लॉन्गर अंडरस्टैंड मिड डे लीला अबाउट फोर आवर्स नॉट फोर आवर्स ऑलमोस्ट फोर आवर्स I think 3 hours, 35 minutes, something. Huh? One danda means 24 minutes. इसमें जो लिखा है भजन से भक्तों ठाकुर जो लिखा और दूसरे ग्रंथ में अलग इसमें लिखा है भक्तों ठाकुर लिखते हैं रात्रि शेष दंड छह दंड सिक्स दंड मैं 24 इंटू सिक्स हंड्रेड दो घंटे वो लिखा है मैं ये है और 34 मिनट 2 आवर्स 24 मिनट दैट मीन्स साढ़े तीन अर्स इफ सन राइजेस 6 ओ क्लॉक जस्ट गिव एन एग्जांपल दैट विल बी बिफोर सन राइजेस टू हाउ मेनी डन द हाउ मेनी 2 आवर्स 24 मिनट्स So that means 33 तो ब्रह्म मुहूर्त किंतु कैलकुलेशन ये दिया ये बांग्ला ग्रंथ में ठीक दिया ये हिंदी में पूरा नहीं दिया गया कैलकुलेशन के जो आरती करते हैं उसमें मेडिटेशन क्या उसमें जी
नहीं तुम्हें बताया जैसे व्हेन सन सन गोज डाउन, हम पहले आ जाते हैं ना, पहले आ जाते हैं उस समय, वो क्या बोले कृष्ण के कृष्ण स्नान आदि करते हैं ना, गोचारण करके आते हैं तो गाय में धूल लगा रहता है, तो उस समय वो स्नान आदि कराया जाता है। ब्रजवासी लोग जो है वास्तव रूप में जो है ये लोग दो बार स्नान करते हैं, एक प्रातः काल में स्नान किया, फिर तीन बार स्नान करते हैं, एक है प्रातः काल क्या बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरी मध्यान्हकालीन स्नान मिड डे स्नान, और तीसरी सायंकालीन स्नान, मैंने अब बिफोर सन सेट्स दे आर टेकिंग बाथ, तीन बार स्नान करते हैं क्योंकि लोग गोचारण करते हैं। आप तो ऑफिस में जाते हो, जरूरत नहीं होता है, धूल मट्टी लगते है ना, इसलिए उसको स्नान करना पड़ता है। दोपहर में एक स्नान करते हैं, मध्यान्ह स्नान दिस इज प्रातःकालीन स्नान मैंने ब्रह्म मुहूर्त स्नान, और मिड डे स्नान दिस इज नेसेसरी, इट इज फॉर एवरीबॉडी। और प्रातःकाल स्नान इन द अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त स्नान, एवरीबॉडी हैव टू टेक बाथ ब्रह्म मुहूर्त स्नान, और अनदर स्नान मिड डे स्नान, दिस इज नेसेसरी। क्योंकि हम जो स्नान करते हैं इसमें गर्मी होता है, शरीर में मैल भी हो जाता है, उस पर स्नान करना पड़ता है। फिर शाम को कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार तीन बार स्नान की विधि दिखा, जैसे राधा जी के तीन बार स्नान बताया गया है, अर्चना श्रीमती राधिका त्रिविधर स्नान बताया गया, इसके साथ जुड़ा है, तीन बार स्नान करके जो है, तीन बार स्नान करके तब जो गायत्री मंत्र जप किया जाता है। एक्चुअल ये विधि दिया गया अद्वैतवादी सन्यासियों के लिए है, अद्वैतवादी सन्यासी जो है ये लोग तीन बार स्नान करते हैं, समझे, तो स्नान की विधि दिया गया। तो राधा जी भी तीन विध स्नान दिखा रहे हैं, राधा जी के एक प्रातःकालीन स्नान है दैट इज कॉल्ड करुणामृत स्नान, देन करुणामृत स्नान, देन लावणामृत स्नान, तीन प्रकार स्नान दिखा रहे, स्नान की विधान दिखा रहे हैं। प्रातः स्नान नरकं जाति माघ स्नान विशेषतः प्रस्त्री कंठ स्नान नरक वैकुंठ मात्र, प्रातः स्नान नरक में जाते, प्रातः स्नान नरक में जाते, वन हु टेक्स बाथ इन द अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त ही विल गो हेवन, सो एवरीबॉडी हैव टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः स्नान, प्रातः स्नान, प्रातः स्नान नरकम जाति, प्रातः स्नान मीन्स द बिफोर सन राइजेज 1 hour 36 minutes, दैट्स स्नान, अंडरस्टैंड, बिफोर सन राइजेज इन दिस मिडल यू हैव टू टेक बाथ, प्रातः स्नान एवरी डे यू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग देन यू विल गो हेवन, प्रातः स्नान नरकम जाति, माघ स्नान विशेषतः यू विल टेक बाथ इन द माघ मास मंथ ऑफ माघ, देन यू विल गो विशेष यू विल गो प्रातः स्नान नरक माघ स्नान विशेष दैट मीन यू विल गो ब्रह्मलोक सत्यलोक, ब्रह्मलोक में सत्यलोक,
द प्लेस ऑफ ब्रह्मा माघ मास, माघ मास, माघ मास वन मंथ देयर इज माघ मास अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ डिसंबर एंड द बिगिनिंग ऑफ जनवरी और परस्त्रीकंठ सगुणा स्थान वैकुंठ मापनति परस्त्री मीन्स पर मीन्स बेस्ट स्त्री मीन्स वृंदादि दैट मीन्स तुलसी इफ यू पुट द तुलसी अराउंड योर नेक एंड टेक बाथ देन यू विल गो वैकुंठ या परस्त्री मीन्स नॉट द अदर्स मैरिड लेडी दिस इज नॉट पर मैंने श्रेष्ठ स्त्री मीन्स वृंदादेवी देहिता देवी देर द मेनी सिनोनिमीज नो सिनोनिमीज व्हिच सिनोनिमी यू हैव टू यूज दैट इज द इम्पोर्टेंट समटाइम्स सहजिया दे आर यूजिंग द बैड इंटरप्रिटेशन एक्चुअल शास्त्र सेइंग दिस वे You understand? Yeah, for three means even. Three means not the always the meaning of ladies. Three means there are many meanings of three. So here three means Vrindavan. That means Tulasi. If you put the neck bead around your, if you put the neck bead, And you take bath, then you will go Vaikuntha Dham. So this is the meaning, perfect meaning this is. So now coming in this is Trividarsana. Srimati Radhika is also Trividarsana. And Pratasana, then Madhyanha Sana and Evening Sana. Understand? Here this compare Srimati Radhika's compare snan bath, Prata snan, and that is called her what is called early age. Because different way then is then Nava Jovan, Bhakta Jovan, Purna Jovan. This is way. Youthfulness. That is Karunamrita Snan, Arunamrita Snan, Lavanamrita Snan. This way, the different. So now coming to this, actually, we are going to this. When Krishna is returned back from herding the cows, Gocharan karke, jab Krishna लौटते हैं वो शाम शाम हो जाता है ना ये सायंकालीन सायंकालीन भजन भाव संध्या के पश्चात छह दंड हैं आप जो करें सायंकालीन सायंकालीन लीला इसमें लिखा है कभी मैं लीला अमृत के अनुसार And Gurudev also has given. Radhika Sayankali Krishna Lagi Krishna Lagi Pathaili Sokhi Hasti Vivido Mishtanno Krishna Krishna Bhukta Sesani Sokhi Dilo Sukho Mani Paya Radha Hoila Prasanna And Snato रम्म बेश धरी जसुदा ललित हरी सखास गोदहन करी नाना विध पक्क अन्न पाइया खईल प्रसन्न स्मरी आमी परम आनंदी श्रीराधा सायंकाले सायंकाल आया जानकर हृदय में अति उत्कंठित है कि कृष्ण अब गोचारण कर आते ही होंगे शुक्ल वस्त्र
धारण कर सखियों के सहित रसी घर में उन्होंने अमृत केली, कर्पूर केली, चंद्र चंद्रकांति, मोदक आदि अनेक मिष्टान्न तैयार किए। यानी उस समय जी कृष्ण के जब भोजन कराते हैं आश्रम में, उस समय कृष्ण के भोजन कर दे, शंकर के भोजन दर्शन कर दे, इस प्रकार और उस समय ब्रजेश्वरी बड़े प्रेम पूर्वक सब पुष्पों का श्री कृष्ण बलराम और सखाओं को उस समय जो है माँ जसोदा जो है कृष्ण बलराम सखाओं के जो है वो भोजन कराते, इसमें लिखा है। और जब लोट करके आते, लोट करके आते स्नान करते हैं, लौटने के बाद स्नान करते हैं, स्नान के बाद भोजन कराते हैं। इंग्लिश बुक ही है भजन रस कैंडिडेट एवरीथिंग है। अरे हाई लेवल यू, दिस इज नॉट फॉर यू। नाउ हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस, दिस इज एनफ। राधा स्नान विभूषित, राधा स्नान जस्ट फॉर यूर क्यूरियस आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर यू कैन रीड। सखी के नंदमय लोडनी की परीक्षा कर रही है, सखी आकर वहां से वार्तालाप का वर्णन करती है, कृष्ण कौन सा वस्तु किस आदर से खाए, क्यों माँ जसोदा उस समय खिलाते हैं, कब स्नान के बाद जो है माँ जसोदा गोपाल का जो है भोजन कराते, राधा जी को भोजन भोजन करके रख देते, भोजन तैयार करते श्रीमती राधिका सी कुक्स, बट मदर जसोदा सी फीड टू कृष्ण, माँ जसोदा गोपाल को खिलाते। तो राधा जी क्या करते थे उस समय सखियों के साथ, श्रीमती राधिका ये वार्तालाप करते, कृष्ण कृष्ण के कौन सा भोजन पसंद है, कौन सा अच्छा है, अनेक प्रकार भोजन तो बने हैं, तो राधा कृष्ण के कौन सा भोजन माने प्रसाद उनका अच्छा लगा, ये श्रीमती राधिका जो है वो देखते। किंतु ये होता है क्या, बंगाल बा ये भारतीय संस्कृति के ये होता है, जो भोजन करते हैं ना वो भोजन दो दो व्यक्ति परोस कर सकते हैं, एक माँ नहीं तो स्त्री, दूसरे के नहीं है। मादर और वाइफ, तो हियर कृष्ण इज नो वाइफ, तो मादर जसोदा सी इज सर्विसिंग, बट दैट टाइम लेडीज दे लिटिल बिट फार, अंडरस्टैंड, एक्चुअल दिस इज द रूल्स ऑल्सो, लेडीज नॉट टू व्हाट इज सर्व, और ओनली लेडीज कैन सर्व इफ दे मैरिड हस्बैंड वाइफ दे सर्व। तो मादर जसोदा सी इज सर्विसिंग, अंडरस्टैंड, ये भोज्य पदार्थ ब्रजेश्वरी माने श्रीमती माँ जसोदा है बड़े प्रेम पूर्वक सब वस्तुओं श्री कृष्ण बलराम तथा सखों के परोसे हैं, और छल कौशल से धनिष्ठा से श्री कृष्ण का भुक्त भेष राधे के पास सखियों के साथ भिजवा देते हैं। इसके पश्चात जो है वो कृष्ण के जो उच्छिष्ट जो प्रसाद जो है वो ले जाते हैं, धनिष्ठा ले जाती है, धनिष्ठा जो है वो ले जाती है, हाँ ले जाती, और लेकर के फिर राधा जी के दे दो। तो उस समय राधा जी सखियों के साथ ये वार्तालाप करते हैं या कृष्ण के कौन सा भोजन उनको अच्छा लगा है, आ समझ ये पूछते राधा जी उस जब कृष्ण भोजन करते हैं
तो राधा जी पास में नहीं रहते है? आश्रम स्त्रियां पास में नहीं रहती है, है? कौन रहते हैं? एक तो माँ जसोदा रहती है और नहीं तो नंद बाबा अथवा सखालू रोहिणी माता, वो भी रोहिणी माता सबसे में नहीं रहती है थोड़ा बहुत, क्योंकि रूल्स होता है उसमें। रोहिणी माता भी रहते हैं, उसके पुत्र बेटा है बलदेव प्रभु है, है? अधिक रूप में माँ जसोदा रहती है, है? माँ जसोदा गोपाल के जो है भजन कराती है, क्यों भोजन होता है स्नेह से भोजन होता है, है? माँ से बराबर कोई स्नेह नहीं कर सकते, है? माँ से बराबर कोई नो वन इक्वल लव एंड अफेक्शन लाइक माता, माँ से अधिक कोई भजन एक स्नेह नहीं करा सकते, है? बात सही है कि नहीं है? तो माँ जसोदा क्या करते हैं, भजन करते, मातृ स्नेह है ना उसमें। जो कृष्ण के जो है माँ जसोदा पुरुष करते पुरुषते हैं, और जब वो इसमें जाते गोचारण के लिए जाते हैं वहां पर जो भजन होता है उस समय सखाओं सब करते, वो तो सब सखा एक साथ में राग देते हैं, है? और वो तो लूटपाट करके खाते हैं। सखाओं के जो भजन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लूटपाट भजन होते, लूटपाट समझते हो? छीना छीनी करके, छीना छीनी समझते हो कि नहीं? खरीदारी बाय फोर्स, आई विल टेक दिस, ही सेइंग आई विल टेक दिस दे दिस, नो सिस्टमेटिक, है? बिकॉज दे आर सिंगिंग आई विल टेक दिस, दे सेइंग दिस, एंड एक्चुअल ऑल दे आर ऑल्सो फीडिंग टू कृष्ण, हे कृष्ण माई मदर सेंड दी, यू टेक दिस, एंड देन अनदर सखा कृष्ण लिटिल बिट टेस्ट, देन ऑल द सखा दे टुक, दैट इज कॉल्ड छेना छेनी, दे आर ऑल्सो क्वारलिंग snatching to each other, grabbing each other, and this way, this. But they have one pointed with Krishna. First they feeding to Krishna, or sometimes they are not also. That's their lila. Or this rasgulla they eating, and they go Krishna feeding, they give him one flower. That is all asara. So in the forest, where that is called the one kind of, that is called, we are saying that is called picnic, you know, picnic, banbhojan, that is, and there they are only sakhas, they are the, but they are the most of the time Baladev Prabhu is feeding to Krishna. Because Mother Jasoda, she told, and Krishna is very shy, Krishna does not want to eat. So Mother Jasoda, she advised to Balaram, so you have to feed my son. Baladev Prabhu is one thing. Baladev Prabhu, he has Dasa, Sakha and Vatsala. Baladev Prabhu, with Krishna, this rasa. Dasaras also there, and massaging feet of Krishna. When Krishna taking rest, sometimes Baladev Prabhu, he massages feet. And also, and Vatsala Ras, and Krishna sometimes does not want, because Mother Jasoda told, say you feed to Krishna. So Mother Jasoda, Krishna, Baladev Prabhu, he is giving. And Krishna, you have to eat the and Vatsala. A Shakharas, sometimes Krishna and Balaram also, they also, what is called? Fighting to each other and wrestling. Understand this way. And they also doing Ardhika. What is called? Imitate the sound of the and others' birds. And
तो बलदेव प्रभु दिस टाइम दिस सायंकाल लीला मीन दिस दिस मध्यान कालिक लीला मिड डे लीला इज टॉप इज लॉन्ग आर ऑलमोस्ट 4 hours मध्यान मिड डे लीला ना सायंकाली लीला संध्या के पश्चात 6 दंड और अपराह्न लीला 3.5 प्रहर देखो वो लीला को बोल रहे हैं दंड और फिर इधर आके प्रहर कर दिया प्रहर मनी एक प्रहर होता है हैं साढ़े 3 प्रहर दिवस से संध्या को वो 3.5 प्रहर से 3.5 प्रहर से फिर इसे कैलकुलेशन करना पड़ता है ना एक प्रहर 3 घंटा तो 3 घंटा 3.5 प्रहर 3 3 9 घंटा हो गया तारे सुबह से 9 घंटा लग ले आने से रात काल 6 से 9 9 घंटा होने से कितना हो जाता है 3.5 बजे हो गया वो उस मठ से जो निकला है ना वो अच्छा ठीक है कुछ वन जी है दीप्रहर दिवस से 3.5 प्रहर पर्यंत मध्यान्ह का लीला ज्यादा अधिक है उस समय जो है ज्यादातर राधा कुंड आदि लीला आदि वहां पर मध्यान करने लगा वो चैतन्य मठ से जो ग्रंथ निकले ना वो अच्छा है क्यों उसमें सारे मैंने समय दिया गया है इंग्लिश दिया मध्य का मध्यरात्रि सारे यहाँ पर पहले दिया दंड यहाँ पर दिया प्रहर कैलकुलेशन ठीक नहीं होता है उधर कैलकुलेशन है किस समय से किस समय तक कौन सा लीला होगी कुछ वन मिड डे लीला 11 ये कमिंग फ्रॉम हेयर व्हिच ग्रंथ जीबीपी देयर बिकॉज़ हियर जीबीपी देयर नॉट हियर द गुरुदेव इज नॉट मीट रिटन दे कैलकुलेटेड हाउ दे गॉट दिस But written by Bhagavad Gita, but in Hindi they are not making it because they translate from Hindi to English. Hindi not mentioned. Diprahar divas se 3.5 prahar prajanta. एक्चुअली एक ग्रंथ भजन रस ग्रंथ भक्तिमय ठाकुर बंगला में लिखा ना हिंदी में नहीं लिखा जितने हमारे गोस्वामी ग्रंथ है जैसा बंगला में लिखा बंगला जो ग्रंथ है और यहाँ तक भी संस्कृत भी वो बंगला टाइप में लिखा है मैंने बंगला बंगाली टाइप है तो संस्कृत किंतु बंगाली टाइप में लिखा है
ये रूप गोस्वामी जितने गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ोगे सारे सब बंगला में है। इसके परवर्ती काल में जो है कुछ ग्रंथ भी लिखा संस्कृत में, जीव गोस्वामी पाद जो है वो भी संस्कृत में लिखा, सब बंगला बंगला टाइप। इसलिए जो लोग नॉन बंगाली है उनके लिए कठिन हो जाता है। आज हम यही होता है, इसलिए हम महापुरुष के जो ये जो है इससे जा अति अति सहज रूप में सब ये नहीं प्रचार नहीं हुआ। आज 500 साल हो गया है महापुरुष के धर्म कहाँ प्रचार हुआ, थोड़ा बहुत है कहाँ प्रचार हुआ बताओ। यदि हम और क्रिश्चियन और आधा आधा धर्म के साथ तुलना करें एंड महापुरुष की इतना प्रचार नहीं है, है? लैंग्वेजेस द पीपल दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे कैन दे डोंट अंडरस्टैंड है। और ग्रंथ है ये बंगाली इवन हिंदी हिंदी ऑल्सो नॉट प्रोपर। द मेन थिंग इज भाव थोड़ा बदल जाता है, हाँ दूसरी भाव दूसरी भाषा में बोलने से वो भाव भी बदल जाता है। जैसे मान कथा, मान इंग्लिश में कहे हिंदी में कहे मान क्या करो, मान को इंग्लिश में कहते हैं मान कहो तो उसको क्या हो जाता है एंगर। अच्छा एंगर शब्द नहीं है, मान शब्द कहते हैं मान क्रोध भी शब्द नहीं होगा, वो तो इंग्लिश में आप बोल रहे हैं। गुरुदेव बहुत बार भी कहा, गुरुदेव नानक गोस्वामी ने बताया हम जब मान कहेंगे मान ही मानी। मान क्या है कि जब स्नेह प्रीति इतने प्रगाढ़ हो जाता है अपने प्रेमास्पद के प्रति, अपने प्रियजन प्रति इतने प्रेमास्पद होता है माने प्रिय होता हो जाता है माने प्रेम अत्यंत गाढ़ हो जाता है। सो मच कंडेंस लव एंड अफेक्शन सो मच कंडेंस एंड दैट टाइम देयर मूड इज जस्ट ऑल्सो वर्ड एंड शोइंग दे आर एंगर। एक्चुअली दिस इज नॉट एंगर। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में अपना ये रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है। अच्छा मान में अपना कुछ नहीं रहता है। कृष्ण कृष्ण ही गोज टू कुंज ऑफ चंद्रावल, तो श्रीमती राधिका सी इज डूइंग मान व्हाई राइट नहीं व्हाई श्रीमती राधिका सी इज एंग सी कैन गिव द प्लेजर टू कृष्ण नो वन कैन गिव एज लाइक हर। So for this regard she is angry. This is the thing. And Lakshmi Devi is actually no man. Lakshmi Devi crowd. Even Saptabhama is also not man. That is called Abhas, Mana Abhas. Lakshmi, Saptabhama and Srimati Radhika. Three. Lakshmi Devi, that is called her anger. Krodh. Understand? Because Jagannath, he did not tell to Lakshmi Devi where he is going. Jagannath, he told. I am going to somewhere to recover my
हेल्थ, वेयर इज ही गोइंग, इज ही डिनर टेबल, बट लक्ष्मी देवी सी ऑल्सो सेंट हर स्पाई टू वेयर ही इज गोइंग, यू अंडरस्टैंड? तो लक्ष्मी देवी सी हर विथ हर स्पाई गुप्तचर, एक्चुअल कृष्ण ही इज गोइंग टू, ही इज प्लानिंग गोइंग टू वृंदावन, अंडरस्टैंड? तो दैट मीन्स कृष्ण जगन्नाथ ही विल इज कॉल, उनको छोड़ करके जाएंगे, लीव हर, तो फॉर दिस रीजन हर क्रोध इज कम। ये व्हाई जगन्नाथ इज गोइंग, बिकॉज लक्ष्मी देवी नॉट कंप्लीटली गिव प्लेजर टू जगन्नाथ कृष्ण बट जगन्नाथ, तो फॉर दिस जगन्नाथ इज गोइंग, बट शी इज थिंकिंग नो ए कृष्ण हैव टू स्टे विथ मी, बट दिस इज नॉट द प्रेम, दिस इज नॉट द परफेक्ट प्रेम। हम ठीक से सेवा नहीं कर नहीं पा रहे, तो हमसे अधिक कोई अच्छा सेवा कर रहे, इससे हमें प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके प्रेम कहा जाता है, किंतु लक्ष्मी देवी वो नहीं चाहती है, है? ये अपराधी जगत की कथा है, प्राकृत नहीं है। लक्ष्मी देवी चाहती है कि ये मेरा पति है, आज मेरे पास ही रहे, वो सुखी हो दुखी हो उसमें हमें कहीं लेने दे, इस जगत की पति तो, पत्नी तो यही चाहती है, पत्नी क्या चाहती है? पति साथ मेरे, हम जहां पर जाए पति हमारे साथ में जाए, है? और पति भी ये चाहते हैं हम जहां पर जाए पत्नी हमारे साथ, ये वैदिक रूल भी है। वैदिक रूल, वैदिक रूल क्या है? पति पत्नी विवाह का एक साथ में रहे, है? अलग नहीं है, आज समझे? क्योंकि अलग रहने से दोनों की मन की विकार हो जाएगा, ये स्वाभाविक होता ही रहता है। जड़ जगत के पहले विचार करें, इसलिए विवाह के समय तो वही प्रतिज्ञा किया, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूंगा, हमारे बिना तुम नहीं रहोगे। विवाह, विवाह विधि तो इसलिए दिया गया है। आज बात ऐसे ही है कि नहीं? विवाह की मंत्र, विवाह विधि के यही दिया गया, हम विवाह इसलिए कर रहे हैं, हम ये तुम हमारे सुख में दुख में तुम हमारे साथ दोगे, तो इसलिए विवाह किया जाता है। अब बात ऐसे ही है कि नहीं? आप इस पर आ जाओ, विवाह किस लिए करते हैं? हमारे सुख में, हमारे दुख में, आप क्या करोगे? हमें साथ दो, और तुम हमें छोड़कर तुम चले जाओ, तो हमारे दुख में और सुख में कैसे तुम साथ दोगे? ये तो रूल्स होता है ना, है? बात ही सही है कि नहीं? विवाह तो इसलिए लोग करते हैं, है? ना विवाह किसने करते, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ी करते, हमारी कभी तबीयत खराब हो जाए तुम हमें एक गिलास पानी दो, और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए इसी समय हो सकता है, तो इसलिए दोनों के एक साथ में रहने की साथ में विधान दिया गया है। आज में ये नहीं है, ये पति उधार रहे पत्नी इधर घूमते रहे, पत्नी उधार रहे पति उधर घूमते रहे, ये शास्त्र विधान नहीं है। तो विवाह करने की क्या है? थोड़ी वेस्टर्न कल्चर थोड़ी जाएगा, लागू थोड़ी होगा। विवाह इसलिए कहा जाता है, इसलिए बंधन कहा जाता है। अब आज ऐसे ही है कि नहीं? विवाह शब्द के और तो विवाह के शब्द के साथ एक शब्द व्यवहार कर दिया गया, क्या बोला? बंधन, एक शब्द के एक दूसरे का बंधन, तुम्हें स्वाधीनता नहीं, तुम्हारी पति के स्वाधीनता भी नहीं है और पत्नी की भी
अधीनता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, है? स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, है? वेस्टर्न कल्चर है, शादी किया तो किया, नहीं देखिए वो तो शादी फादी बर्बादी सब, वो पति उधर घूमता है फिर पत्नी उधर घूमता है, वो उसके साथ लग जाता है, उसके पीछे लग जाता है, पागल सब। इफ नॉट हस्बैंड इज नॉट विथ यू और इफ यू नॉट वाइफ एंड हस्बैंड डू देयर माइंड डिस्टर्ब दैट यू विल बी दिस इज सिंपल है। विवाह शब्द का अर्थ होता है विवाह के साथ एक शब्द दिया गया, क्या शब्द दिया गया? बंधन, तुम्हें फ्रीडम नहीं हो, दोनों के एक सूत्र में बांधा गया है। आज समझे दोनों हाथ के एक साथ, तुम वो जाओगे उधर और भी कपड़े को बांध देते हैं ना, गांठ बंधन कर देते हैं, वस्त्र गांठ बंधन लिखा है उसमें, हम तो करते हैं है? आज समझे कभी कभी मैं ये जो विदेशी को कराते हूँ ना, मैं कभी को अपने अपने का हंसता भी रहता हूँ, अब गुड़िया गुड़ी के खेल चल रहा है सब। गुड़िया गुड़ी के खेल है और कुछ नहीं है, वास्तव जो विधि के पालन करना पड़ता है ना, पालन नहीं करते तो कैसे होता है? इसलिए कहता है विवाह बंधन भारतीय सभ्यता संस्कृति इसलिए सीता सीता देवी के उल्लेख आ रहा है उसमें जो मंत्र पढ़ाया जाता है राम सीतयो रावण मंदोदरी है, मंदोदरी भी रावण के नहीं छोड़े, उसमें देखो मंत्र में आ रहे सब है, सबके नाम आ रहे है, सीता राधा कृष्णयो है, सबके सबके नाम है, जहां पर दिखा रहा। विवाह एक होता है बंधन होता है ना, फ्रीडम तुम नहीं हो, जब तक पत्नी जीवित रहेगी वह पति जब तक जीवित रहेगी तब तुम्हारी बंधन है, है? बात ऐसे ही है कि किसने बोल रहे थे, अब तो भूख लग रहा है। हाँ ये जो कंपटीशन जो दे रहे हैं है, अच्छा ये दे रहा है लक्ष्मी देवी मान, लक्ष्मी देवी जो कृष्ण जब जा रहे हैं है, माने जगन्नाथ जब जा रहे हैं लक्ष्मी देवी के साथ में नहीं लिया है, इसमें लक्ष्मी देवी क्या हो गया, क्रोध हो गया, ये लक्ष्मी देवी क्रोध क्रोध क्यों उसको ले नहीं गए है, आज समझ ये कह रहे है, वो आभास वो क्रोध है ज्यादा, क्रोध ज्यादा है, मान 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 के आभास है, वो शुद्ध मान नहीं वो है, आ समझे है। अरे मान शब्द जो प्रयोग होता है वास्तव में शुद्ध मान के प्रयोग होता है राधा जी में, अर्थात जहां पर ये जो दिखा रहे हैं परकत्व भाव में, भाव में मानो की तो जो वैशिष्ट दिखा रहे हैं, आ समझे, किंतु हम जब यूज करेंगे मान शब्द के कोई अर्थ नहीं होता है, एंगर भी नहीं होता है, जेलसी भी नहीं होता है, ये शब्द यूज नहीं होता, मान मान ही है बस, मान इसलिए कह रहे हैं ये जहां पर अत्यंत प्रेम जब गाढ़त्व हो जाता है, ये प्राम प्रेम गाढ़त्व किस में होते पर क्या प्रेम की गाढ़त्व दिखा रहे, क्या बोला तो क्या में प्रेम की गाढ़त्व उतना नहीं होता है, आज समझ में नहीं है, तो क्या तो में प्रेम की गाढ़त्व नहीं होता है,
क्योंकि सौख्यत्व में प्रेम की क्या होता है, गाढ़त्व तो नहीं हो करके वो क्या होता है, नहीं उसके उसके सौख्यत्व जहां पर रहता है उसी के कार्य क्या समंजसा रति कार्य है, एक साधारण रति और एक समंजसा रति और एक समर्थ रति। गोपियों में जो दिखा रहे समर्थ रति प्रत्यक्त होने के बाद उसमें मान मान जो है वास्तव दिखा रहे प्रत्यक्त, भी इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा ना, है परमार्थी जगत में ही हम प्रति दिखा रहे। इसलिए प्राकृत जो नाटककार जो है ये लोग प्राकृत स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि पारकित्व भाग एकमात्र गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में भी नहीं है, इस जगत की कथा छोड़ दी, इस जगत में तो है ही नहीं और इस जगत में होना भी संभव नहीं है पारकित्व भाग। तो पारकित्व जब तक नहीं हो रहे हैं शुद्ध मान जो है वो प्रकाश नहीं हो सकता शुद्ध रूप में, माने माने क्या बोले क्या शुद्ध जो मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि परकत्व भावित क्या दिखा रहे इसको समझो आपसे बोल परकत्व भावित गोपियों की जो परकत्व भाव दिखा रहे हैं वो कृष्ण से उन लोग कुछ चाहवत नहीं है, चाहवत समझे कोई एक्सपेक्टेशन है एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेशन नहीं, हम कृष्ण की सेवा जो कर रहे हैं केवल कृष्ण सुख के लिए। सौकिया में क्या होता है अपना सुख और दूसरे के सुख में बढ़ाता है, अपना सुख पति के सुख और पुत्र संतान आदि के सुख देख रहे हैं, तो सुख क्या हो गया भाग बंटवार हो गया कि नहीं हो गया है। सौकिया में क्या होता है भाग प्रेम जो है वो भाग बंटवार हो जाता है, बात सही है कि नहीं देखो इसको समझने के लिए प्रयास करो। सौख्यात्व में क्या दिखा रहा है प्रेम जो है भाग बंटवार हो जाता है डिवाइडेड हो जाता है, योर लव एंड अफेक्शन बिफोर चाइल्ड कमिंग है वो तो दूसरी बात, वो बात हम नहीं कर रहे हैं, ये होता है भाव प्रेम हमारे जो है वो भाग बंटवार हो जाता है, ये विशेष होता है। ये सौख्या में तो क्या दिखाते हैं प्रेम भाग बंटवार हो जाता है, आ समझे। यह तो भी जो जब तक उनके पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं बात इनकी भी नहीं हुई, पति पुत्र में देखो माता पिता के प्रति स्नेह भी प्रेम प्रति रहता है, माता पिता के प्रति स्नेह प्रति रहता है, एक पति के घर में आने के साथ ही साथ उनके प्रेम प्रति नहीं लग जाता है, माता पिता के साथ भी प्रेम प्रति रखते हैं और इधर सास ससुर के प्रेम प्रति रखते हैं, पति के प्रति प्रेम रखते हैं, संसार के प्रति जितने परिवारजन सबके प्रति प्रेम प्रति रखते हैं, तो उसके प्रेम क्या हो गया बढ़ गया, इसलिए उसी ही कहा जाता है सामंजस्य रति कहा जाता है। सौकिया में रुक्मिणी सत्यभामा आदि के प्रेम को क्या कहा जाता है सामंजस्य रति, माने जिसमें प्रेम बढ़ जाता है, हैं? वो दूसरी बात, वो हमारे विचार जो विषय नहीं है, विचार जो विषय हमारे प्रेम की जो है, प्रेम जो है वो क्या होता है पहली जो है ये मेन होता है, समंजसा रोती में क्या दिखाते हैं समंजसा रोती में जहां पर प्रेम डिवाइडेड हो जाता है, ये हो जाता है प्रेम एक केंद्रिक नहीं होता है, नहीं होता है, और परकत्व में प्रेम एकगंधिक हो जाता है, कृष्ण छोड़ करके किसी के ऊपर नहीं देखते वो,
कृष्ण छोड़ करके उनकी और कुछ चिंता ही नहीं रहता है। गोपी प्रेम के इतने क्यों करे गोपतार, गोपी प्रेम सात शिरोमणि, गोपियों के प्रेम के इतने महत्व क्यों दे रहे हैं? गौड़ीय वैष्णव में गोपी प्रेम के इतने महात्मा क्यों दे रहे हैं? ना गोपी प्रेम में जो गोपियों की जो प्रेम जो है कृष्ण छोड़कर किसी में नहीं लगा, और दूसरी पुरुष तो छोड़ दीजिए किसी पुरुष में नहीं लगता है, सौके में कहीं के भी लग जाता है, आ समझ भी नहीं। इसलिए वो क्या बोले, वो स्त्री हो पुरुष हो विवाह के बाद में कहीं नहीं कि उनके मन कहीं भी उसके मन की चिंता आ जाता है, आ समझे। जिससे द्रौपदी के लिए महाभारत में एक उपाख्यान भी आ रहे हैं, ये लोग जब एकाम्र कानन में रहने लगे, वो तो कथा महाभारत की कथा है, एकाम्र कानन माने कोई एक कानन जब वन में केवल एक ही आम जो है माने क्या बोले पके हुए आसमें, जब ये पांडव लोग रहने लगे द्रौपदी के साथ द्रौपदी के साथ जब रहने लगी तो उस समय द्रौपदी ने क्या की, तो पांडव लोग कहीं चले गए थे जो कुछ कर माने, और उतने द्रौपदी एक आम को देख के करके उसको तोड़ लिया, देखने बहुत सुंदर था। और इतने समय ये क्या बोले एरियल साउंड आई, क्या बोले एरियल वॉइस आई, बोले हे द्रौपदी तुम जानते नहीं हो ये वन जो है एक ऋषि का है, वो अपने जोग बल से जो है एक ही आम यहाँ पर रखा, ये आम को तुम तोड़ लिया अभी ऋषि आकर के तुम लोग को अभिशाप दे देंगे, सब जल कर मर जाओ। अभी द्रौपदी तो आम तो ले लिया तोड़ लिया, उसको लगा नहीं सकते, अभी द्रौपदी क्या करें, इतने समय पांच पांडव आ गया है, द्रौपदी कह दिया है ये मैं तो ये आम तोड़ तोड़ लिया, और साथ ही साथ आकाशवाणी हुई ये ऋषि आकर के हम लोग को अभिशाप दे देंगे, अभी क्या की जाए है, द्रौपदी और पांच पांडव अभी छाई भस्म हो जाएगा है, अभी द्रौपदी तो रोने लगे क्या की जाए, युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे क्या की जाए है। इतने समय द्रौपदी रोते हुए कहने लगे, आम वृक्ष के देख कर कहने लगे है ये मेरे अपराध के क्षमा कर दो है, और ये आम जो है मैं उसमें लग जाए, मैं बूढ़े में लग जाए, जैसे था ऐसे हो जाए। तो फिर दूसरी बार वो आकाशवाणी हुई है, हे द्रौपदी तुम अपने सारे मन की बात यदि हमारे पांचों पति के सामने बोल दो है, तो ये आम जो है अपने आप उस शाखा में लग जाएगा, समझ में आ रहा है? अभी द्रौपदी के सब कर तुम्हारे मन में कोई किसी प्रकार से दे कुछ भावना को रखना नहीं चाहिए है, आ समझ है। तो उस समय द्रौपदी कह रहे ये मेरे मन में थोड़ी सी तनिक भी थोड़ा सा जो है ये भावना था, अच्छा पांचों पांडव तो मेरा पति है अर्जुन भी, पर कर्ण भी कम नहीं है, इसलिए मेरे मन कर्ण के भी प्रति भी थोड़ा लगा था, बोलो वृंदावन बिहारी ऐसे कहने के साथ ही साथ आ समझ में अर्थात द्रौपदी के मन में क्या था जो कर्ण की भी पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए भी मन में
इच्छा थी है, अंडरस्टैंड है। ये तो लीला कर्ण कौम नहीं था, कर्ण भी भेद कर सकते थे, वही लोग करने नहीं दिया ना उस समय। तो उस समय क्या है, आप उसमें देखना, जब एक एक कृष्ण की चाल है सब, जब कर्ण ने लिया ना है तब तो ये कह रहे हैं है, तब वो कृष्ण जो है द्रौपदी के द्वारा उंगली निर्देश कर रहे हैं, बोले नहीं तुम इसके विरोध करो, तो कर ये तो राजपुत्र नहीं है, सुत पुत्र के साथ हम विवाह नहीं कर सकते, वहीं पर उनके ये हो गया था है। आ समझे, उसके उसका अपमान करा गया कर्ण है, कर्ण के मन में तो यही खेद आ गया। कर्ण अर्जुन कम नहीं था, अर्जुन से किसी प्रकार से कर्ण कम नहीं था है, आज समझे। किंतु कृष्ण ने क्या किया, आप देखना महाभारत में देखना, जब वो लक्ष्य भेद हो रहा ना है, तब है द्रौपदी तो देखा कर्ण को है कि कर्ण एक्चुअली सूर्य पुत्र तो कर्ण, कर्ण भी देखते देखने में बहुत सुंदर है, आज समझे। और अर्जुन जो है इसको कहा जाता है इंद्र पुत्र कहा जाता है, इंद्र की शक्ति से हुआ, एक एक कौन कौन कहां से होते सर जी का है। तो कर्ण देखने में बहुत सुंदर था, एंड उसके कान में कुंडल और वो था क्या बोले कवच, हाँ है पकड़े छात में कवच था, कर्ण देखते देखने में बहुत सुंदर था है। द्रौपदी के मन तो लग गया था उसमें है, आज किंतु कृष्ण ने इंगित कर दिया है, आज समझिए कृष्ण इंगित कर दिया, बोले नहीं कर्ण के तुम ये करो। इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है, एक्चुअल ये द्रौपदी और कोगी कोई नहीं है, ये द्रौपदी कौन जानते हो, ये छाया सीता है, हैं जो अग्नि में अग्नि में से वो निकले है ना, ये भी है? ये तो छाया सीता है ना, जब रामलीला जब रामचंद्र जब सीता देवी जब आई है, और रामचंद्र ने ये क्या बोले असली सीता को ले लिया, तो ये छाया सीता थी है, जानती हो छाया सीता, ये छाया सीता बोले मैं कहाँ जाऊं, तुम्हारे इतने तुम्हारी लीला को मैंने इतनी सहायता करी, मैं कहाँ जाऊं, तुम तो अपने सीता को ले लिया, और ये छाया सीता कहने लगी मैं कहाँ जाऊं है। तब उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो सीते मान छाया सीते है, तुम जो है मेरा कृष्ण लीला में तुम सहायता कर लो है, आज समझ क्यों छाया सीता करी, आप मुझे पत्नी पत्नी मान करके तुमने रावण के वध किया, नहीं तो रावण के तुम वध नहीं करते, रामचंद्र रावण के किस लिए वध किया, पत्नी करते तो मुझे तो पत्नी मान माना ना, छाया सीता करी है, ये ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त तो पुराण में लिखा है बहुत सुंदर है, तो मुझे जब आप पत्नी रूप में स्वीकार किया है तो मुझे आप त्याग दोगे तो मैं कहाँ जाऊं, मैं दूसरे के स्वीकार नहीं कर सकता, आप मुझे स्वीकार कर लो है, समझ। तो उस समय रामचंद्र ने कहा हे छाया सीते तुम मेरा कृष्ण लीला में तुम मेरा सहायता कर, तो उस समय छाया सीता कहने लगी थी मैं तुम्हारी कृष्ण लीला तो होगी वो दापर युग में, अभी तो चल रहे कौन सा त्रेता युग, इतने समय तो मैं कहाँ रहूं। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे जाओ तुम कुछ समय जो है स्वर्ग लक्ष्मी होकर के रहो, स्वर्ग में लक्ष्मी होकर रही ये छाया सीता स्वर्ग लक्ष्मी होकर के रही है, अच्छा फिर उसमें छाया सीता स्वर्ग लक्ष्मी से वहां पर आ गया है, फिर आकर के फिर द्रौपदी के रूप में जन्म लिया,
है ऐसा, ये द्रौपदी के रूप में, इसलिए तो अग्नि से प्रकट हो, अग्नि से कोई स्त्री प्रकट होता है, आप बताओ अग्नि से कोई स्त्री प्रकट होता है किंतु सीता, एक सीता देवी, एक क्या बोले द्रौपदी अग्नि से प्रकट, हाँ धृष्टद्युम्न ऐसा, इसलिए वो इसलिए कह रहे ना, इसलिए कृष्ण यहाँ पर, कृष्ण द्रौपदी के क्यों नहीं विवाह नहीं किया, ये भी प्रश्न आएगा आपको, है अर्जुन के साथ विवाह करा दिया है, नहीं, परक्यत भाव नहीं है, वो छाया सीता है ना, रामचंद्र की लीला में जो थी वो सीता नहीं थी, वो कौन सा थी, छाया सीता, राम भगवान छाया के साथ विवाह नहीं कर सकते, इसलिए किंतु उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया कौन, रामचंद्र, यहाँ पर लीला की दिखा रहे हैं ये कृष्ण उनके द्रौपदी के विवाह क्यों नहीं किया, बोले इतने तो पत्नियों को विवाह किया, चलो द्वारका में कितने पुत्र विवाह कर दिए, 16,000 कन्याओं को विवाह किया है, तो सीता इसके विवाह कर, द्रौपदी के विवाह कर लेते, द्रौपदी तो कम नहीं थी, किंतु द्रौपदी के इसलिए विवाह नहीं किया, उसके लिए उनको छाया सीता थी, छाया सीता व माया सीता कहा जाता है, तो इसके साथ कैसे सब विवाह करिए, भगवान छाया के साथ नहीं करते हैं, माया से नहीं कर सकते है, केवल लीला की, लीला को संपादन करने के लिए, इसलिए इसलिए उनको जो है द्रौपदी के जो है कृष्ण उनके सखी कह करके संबोधन करते थे, वो उसके से करते, ये सब रहस्य है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में, इसको बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किया, एक कृष्ण द्रौपदी के साथ क्यों विवाह नहीं किया, कृष्ण द्रौपदी के साथ ही विवाह करते तो आगे ये लीला नहीं होती, महाभारत लीला नहीं होती, महाभारत की लीला, इसलिए भगवान रामचंद्र ने कहा ना छह सीता के, कहा कि तू मेरा कृष्ण लीला में सहायता कर, तो वही तो द्रौपदी आई है कृष्ण लीला के, कृष्ण लीला के जो है महाभारत की रचना करने के, द्रौपदी बिना महाभारत नहीं होती, मूल जो है महाभारत युद्ध की मूल जो कुछ भी है ये द्रौपदी है, और क्या बोले रामायण के जो भी चीज है ये भी वही है, ये छाया सीता है, ये लिंक उसमें है, क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे जिस सोने की हिरण नहीं होता है, और इन्होंने कहा दिया सीता देवी कही ये आप पतिदेव आप सोने की हिरण के पकड़ करके ले आओ, वही था ये उसी समय है, वो उसी समय है, इसमें उसमें वर्णन हो रहा है ब्रह्म विवर्तन में, इस रहस्य के खोल करके बताया समझ में, जब भगवान रामचंद्र की ये लीला हो गया, क्या बोले 12 साल करी, 12 साल वनवास में, 13 साल, 13 साल वनवास खत्म हो गया, तब उस समय चौदह साल हो ना, 13 साल खत्म होने वाला था, तो 13 साल जब हो गया, 1 साल बाकी है ना 14 साल, उस समय भगवान रामचंद्र चिंतन कर रहे थे मुझे दो लीला को मुझे प्रकट करना है, एक है तो असुरों के मारना है, रावण के उद्धार करना, और दूसरी रावण को मारना असुर वध के लिए मैं जो आया हूं, और दूसरी जो है विरह रस को आस्वादन करना है, विरह रस को आस्वादन करना है, उस समय भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं
जी मेरे तो एक साल तो रह गया अभी, तो जिस कारण से मैं वन में आया हूँ, रावण कुंभकर्ण आदि की उद्धार करना, उनकी जो जय विजय की जो मैंने वर दिया था है? ये तो इनकी भी उद्धार करना है, किंतु अभी तो पूरा नहीं हो रहा है। रामचंद्र बहुत दुखित था, ब्रह्मवीर तो पुराण में लिखा है, आपको दिखाऊंगा, हिंदी में मिलेगा, पढ़ना बहुत आनंद आएगा। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीदो, हिंदी में मिलेगा। ये छाया सीता के बारे में, द्रौपदी के बारे में सारी लिखा है। तो भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं जिस कारण से, एक्चुअल जिस कारण से मैं 14 साल के वन में आया, वो तो अभी तो पूरा नहीं हो रहा, रावण वध कैसे होगा? समझ। और ये असुर निधन आदि कैसे होगा? आसमान ये चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी क्या था, ये मैं विरह रस कैसे आस्वादन करूं? इस समय तो भगवान रामचंद्र जब चल रहे थे तो उस समय साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए, अग्नि देवता आए। अग्नि देवता आकर के भगवान रामचंद्र के बोले, प्रभु आपकी लीला के मैं कैसे सहायता कैसे करूं आपकी लीला की? तो भगवान रामचंद्र बोले कि तुम मेरे जो है असली सीता के जो है तुम ले करके इसमें रखो, क्या बोले, शिव पार्वती के पास रखो। और एक छाया सीता तुम प्रकट कराओ। तब उस समय अग्नि देवता जो है वो एक छाया सीता के प्रकट कराया, वही छाया सीता जो है जिस दिन ये हरण हुआ था, सीता हरण हुआ है, ठीक उसके उसी दिन ही अग्नि देवता और रामचंद्र के साथ वार्तालाप है। उस समय जो है स्वयं भगवान रामचंद्र सीता देवी की भी कहा, हे सीते तुम कुछ समय के लिए मुझसे बिछोड़ जाओ। तो सीता देवी कल क्यों बोले, मुझे दो कार्य करना है, ये स्वयं रामचंद्र सीता देवी की बताया, अग्नि पुराण में बता रहे ये मुझे असुर निधन करना है, ये जिस लग के लिए मैं वन में आया हूँ, और दूसरी जो है तुम्हें तुम्हारे साथ मेरा विरह रस साधन करना है। सीता देवी कह रही, प्रभु आपके जैसी इच्छा है मैं ऐसे करूँ। तो उस समय जो है वो सीता देवी संग अग्नि में प्रवेश किया, और वो अग्नि देवता जो है अपने छाया सीता को पकड़ कर, बिल्कुल एक जैसे देखे पड़े, किंतु वो छाया सीता थी। नहीं, रामचंद्र मर्यादा में रहते हैं, रामचंद्र ऐसे नहीं है जे पत्नी जो बोले ऐसे दौड़ करके चले। रामचंद्र अपने आप सबदा मर्यादा में रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में, किंतु यहाँ पर दिखा रहे क्या, सीता देवी ने कही ये जो है सोने के हिरण के पकड़ करके लिया, तो रामचंद्र चले गए क्यों है? वो लीला करने के लिए, किंतु सीता देवी सोच रही है, असली सीता देवी सोच रहे ये श्वेत मैं सपनों देख रही हूं, ये भी विचार कर रहे कौन, असली सीता सोच रही है ये हो सकता है मैं ये सपनों में अपने पतिदेव के कुछ बोल रही हूँ, ये ठीक है आपके दुख दो लीला जो करना है आपको मैं सहायता करूंगी, तो ऐसे करके असली सीता जो है वो अग्नि देवता के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर भी विचार थे अग्नि देवता पुरुष है, ये पुरुष के पास सीता देवी नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने किया कि लेकर के देवी पार्वती के पास रख दिया, ऐसे भी वर्णन है। जब तक सीता हरण नहीं हो रहा है तब तक जो है असली सीता जो है वहीं पर रहने लगी, कहाँ,
पार्वती के कलश है। फिर सीता हरण के बाद है रावण तो असली अच्छा सीता हरण किया, असली सीता तो उधर चली गई है। फिर ये लीलादि जब लक्ष्मण के द्वारा जो केवल अग्निकुंड सजाया, फिर असली सीता बाहर आ गए, नकली सीता अभी जो मैंने जो छाया सीता, उस समय छाया सीता कहने लगी कि मेरा मेरा गति क्या हुआ था, तुम तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, विवाह नहीं किया किंतु तुमने तो बच्चों क्या अपने शब्दों के द्वारा तो बोले मेरे सीता है, ऐसा सीते सीते कह के तुम तो रोया और सीता के लिए तुमने जो किया है, मैंने छह सीता करी है, छह सीता करी है, ये आप मेरा गति क्या, तो इसलिए करे जाओ है, कहने लगे ये मेरा कृष्ण लीला में तुम सहायता करो है, इसलिए राम इसलिए कृष्ण उनके साथ विवाह नहीं किया है, वो माया सीता ने माया सीता बात छह सीता उनके साथ कैसे विवाह करें, इसलिए उनके कहा जाता हो ये हमारे इसके साथ है, है? और इसलिए जब वो हो रहा था क्या बोले क्या बोले इनके घर में विराट एक उसके जो थे नहीं नहीं अज्ञातवास नहीं जब वो लक्ष्यभेद जो जो था लक्ष्यभेद जो था उसमें तो वो कर सकते थे कर्ण कर सकते थे, करने के पास कम नहीं था अभी तक, किंतु कृष्ण ने द्रौपदी के मना कर दी, यदि कर्ण के साथ द्रौपदी के विवाह हो जाते ये महाभारत युद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है महाभारत युद्ध नहीं होता है, ये भी दिखा रहे हैं क्योंकि इनके बोला ना द्रौपदी के बोला ये युद्ध करना है, वास्तव रूप में देखा जाए महाभारत के युद्ध में ये द्रौपदी है वही छाया सीता, रामलीला में वही छाया सीता, असली सीता कोई काम नहीं किया, असली सीता तो ये महाभारत युद्ध बोलो और रामायण बोलो ये सब वही कर रही है, वही छाया सीता कर रही, और वही छाया सीता द्रौपदी बनी, वो वहीं पर स्वर्गलक्ष्मी बनी, स्वर्गलक्ष्मी बन करके फिर आई है इसमें क्या बोले द्रौपदी के रूप में आई थी, वो आ गई है लक्ष्मी देवी, इसलिए कंपेरा जी कहते हैं मान क्रोध मानाभास और मान, द्रौपदी के हो गया एक लक्ष्मी के हो गया क्रोध, और सत्यभामा के हो गया मान के आभास का मानाभास का, कंप्लीट मान नहीं है, मान तो राधा जी की मान शुद्ध मान दिखा रहे, शुद्ध मान में क्या होता है राधा जी मान करती है कृष्ण कान पकड़ के उड़ना बैठा बोलते हैं, और इधर सत्यभामा मान कर लिया कृष्ण थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया तो मान कहाँ फिर देते हैं कहाँ मान चला जाता है, कभी कृष्ण तथापि लौकिक व्यवहार में कभी कभी सत्यभामा के मान पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत करते रहते हैं, जैसे वो कथा सुनाते ये नारद ऋषि एक बार आए और एक पारिजात पुष्प दे दिया, पारिजात पुष्प देगा लोग बोलते हैं असली पारिजात जो है सर्कलोक में है, इस जगत में है, हम लोग गए थे उधर कहाँ लखनऊ गए थे, और अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक स्थान है वहीं पर जो है पारिजात पेड़ है, कभी जाना अयोध्या जाना तो आपको दिखा मेरे मैं लेकर गया, बट आई डिड नॉट ब्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज आई डिड नॉट ब्रिंग, इफ दे विल ओपन
दे उल्टेड वेर यू कैन नॉट ब्रिंग रिकवर वेरी नाइस बड़ा बड़ा फूल है When you come in Delhi, I'll say, I did not bring. Because of customs. Yeah, customs they will take. very nice, beautiful. Oh. And they're dry. And keep. Arijat Pushpa bhi kahte hain. Ped bhi aisi sundar hai. उधर वो भी हम इन्हें उधर गवर्नमेंट के द्वारा वो सुरक्षा संरक्षित है इंडिया गवर्नमेंट जो है उस पेड़ की भी रक्षा विराट देखने भी सुंदर पेड़ है विशाल पेड़ हम लोग गए थे कहाँ गए थे नमिसारण देखा वो पेड़ देखा क्या छोटा छोटा फूल नहीं इतना बड़ा बड़ा फूल होता है वो फूल जो है एक क्या बोले वो नीचे गिरने के साथ ही साथ ये हो जाता है माने क्या बोले वो मुरझा हो जाता है मुरझे हो जाता है पेड़ में जब रहता है सफेद ऐसे सुंदर खिले रहता है हाँ वो तो है एक ही पेड़ था ये पारिजात पेड़ तो समुद्र से क्या बोले समुद्र मंथन से पारिजात स्वर्ग से जब आ गया था ना स्वर्ग से शुद्ध वस्तु जब हुआ चलो 9 बजा दिया मुझे भूख लग रही है महाप्रसाद हम लोग पागल बना देते हैं